दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड, आज मैं आपको फिलिप्स के इंडक्शन कुकटॉप के एरर्स के बारे में बताऊंगा। इस इंडक्शन कुकटॉप में ऐसा होता है कि जब भी इसके सर्किट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी सर्किट का कोई भी कॉम्पोनेंट ख़राब होता है, तो इसमें एक एरर कोड जनरेट होता है। उस एरर कोड को पढ़कर हम ये पता लगाते हैं, इसको बिना खोले, कि इसके कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, ये इस उन एरर की एक लिस्ट है, जैसे कि E1 एरर, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E9। ये 9 तरह के एरर हैं जो कि फिलिप्स के इंडक्शन कुकटॉप में जनरेट होते हैं जब इसके अंदर कोई दिक्कत होती है। तो फ्रेंड, इस इंडक्शन कुकटॉप में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसके अंदर कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर का क्या मतलब होगा, कौन सा कंपोनेंट खराब होने का वह एरर इंडिकेशन दे रहा है, वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सभी एरर के बारे में खुलासा करके बताऊंगा कि किस एरर में कौन सा कंपोनेंट खराब होगा, किसकी चेकिंग आप करेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले अपने इंडक्शन कुकटॉप को हम ओपन कर लेते हैं। और जो इंडक्शन कुकटॉप हम यूज़ कर रहे हैं, फिलिप्स कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है HD4929 मॉडल का है ये। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको इंडक्शन कुकटॉप को ओपन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इंडक्शन कुकटॉप को मैंने ओपन कर लिया है और हम फ्रेंड वन बाय वन एरर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, हमारा एरर आता है E1 और E2, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसमें क्या है, जो इसका मेन सेंसर है, या तो वह ओपन हो चुका है या फिर शॉर्ट हो चुका है। तो इसका मेन सेंसर यहाँ पर लगा होता है, ये इसका मेन सेंसर है। तो इसका ओपन हो जाना या शॉर्ट हो जाना, इस इंडक्शन कुकटॉप में E1 और E0 का एरर देता है। तो मैं इसके कनेक्शन आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर लगा होता है। तो इसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले तो इसकी कॉइल को यहाँ से हटा लेंगे। ये इसकी इंडक्शन कॉइल लगी हुई है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो सेंसर लगा हुआ है, इसके कनेक्शन ये हैं दो, ये दो, और इसके दो कनेक्शन हैं। तो आपको इसको शॉर्ट सर्किट के लिए और ओपन सर्किट के लिए दोनों को चेक करना है। इसको चेक आप कैसे करेंगे, वो आपको अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करना है और उसके बाद दोनों की क्वान्टिटी को मेजर करना है। इस तरीके से आप इसको चेक कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके एरर कोड E3 और E4 के बारे में। इसके लिए इसका हीट सिंक सेंसर या तो ओपन है या फिर क्लोज है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इंडक्शन कुकटॉप में E3 या फिर E4 का एरर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीट सिंक सेंसर कहाँ पर लगा होता है। इसके इंडक्शन कॉइल को हटा देते हैं और ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर इसका ये इसका मॉस्फेट लगा हुआ है। इसके पास में इसके नीचे हीट सिंक सेंसर लगा हुआ होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में कंपनी ने कोई हीट सिंक सेंसर प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप में E3 या E4 का एरर आ रहा है, और तो उसके अंदर हीट सिंक सेंसर जरूर लगा होगा, तो आप उसको खोलें, यहाँ पर हीट सिंक सेंसर होगा, उसको ओपन या क्लोज के लिए चेक करें। अगर वह ऐसा है तो उसको चेंज कर दें, E3 और E4 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फ्रेंड, बारी आती है E5 और E6। ये एरर तब आता है जब वोल्टेज या तो बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तब इंडक्शन कुकटॉप में E5 और E6 एरर आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से हमारी मेन मेन सप्लाई वोल्टेज आती है, इसकी वोल्टेज आपको चेक करनी है। अगर बहुत ज़्यादा होगी तब भी E5 E6 का एरर आएगा, और अगर कम होगी जितनी इसको नहीं चाहिए तब भी E5 E6 का एरर आएगा। तो आप स्टेबलाइजर का उपयोग करें और अपने घर की पावर सप्लाई को ठीक करें, यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। फ्रेंड, अब आता है E7 का एरर। E7 का एरर तब आता है जब इसका फैन खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इसका फैन लगा हुआ है, ये अटक अटक के चल रहा है, रुक गया है, खराब हो गया है। अगर वो वाली कंडीशन इसके अंदर आ रही है तो E7 का एरर आएगा। तो अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप में E7 का एरर आ रहा है, तो आपको इसको खोलना है, मार्केट से जाना है, नया
फैन परचेज करना है और चेंज कर देना है, इससे उनकी समस्या एकदम दूर हो जाएगी। अब फ्रेंड आता है F8 का एरर तब आता है जब मेन सेंसर इसका ख़राब हो जाता है। मेन सेंसर फ्रेंड ये लगा हुआ है, ये देखिए ये इसका मेन सेंसर है, ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ। जब यहाँ के आसपास का सर्किट के कंपोनेंट जो इस सेंसर से कनेक्टेड हैं जब वह ख़राब हो जाएंगे तब E8 का एरर आएगा। तो अगर डिस्प्ले में आपके E8 का एरर शो कर रहा है और आपको खोलना है, इसका सेंसर ओपन करना है और यहाँ पर लगे हुए जितने भी कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं आपको इसके सर्किट से जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रखे हैं, इसकी प्लेट हम यहाँ से ओपन करेंगे और सेंसर देखेंगे सेंसर कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है। पहले सेंसर चेक करेंगे, सेंसर ठीक है तो इसके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को ओपन करेंगे और कनेक्शन को फॉलो करेंगे। जो भी कंपोनेंट रास्ते में आ रहा है उन सबको चेक करते चले जाएंगे, आसपास में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हमें नज़र आ जाएगी उसको चेंज कर देंगे, हमारा E8 का एरर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप दूर कर सकते हैं अपने फिलिप्स इंडक्शन जिसका मॉडल नंबर है 4929 उससे E8 का एरर। और फ्रेंड लास्ट में आता है इसका E9 एरर। तो फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि E9 का एरर इंडक्शन कुकटॉप में क्यों आता है। फ्रेंड E9 का एरर आता है जब फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, यानी कि फ्यूज़ ओपन हो जाता है तब इंडक्शन कुकटॉप में E9 का एरर आता है। और इस पर्टिकुलर मॉडल में जो फिलिप्स का है, इसका मॉडल नंबर है 4929, उसमें मैं आपको बता देता हूँ उसका फ्यूज़ लगा हुआ है ये वाला, ये देखिए ये जो है लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये इसका फ्यूज़ है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तब इसके डिस्प्ले में E9 का एरर आएगा। तो जब भी आपको भविष्य में कभी भी E9 का एरर मिलता है फौरन इसको ओपन करें, फिर उसको चेंज करें, E9 एरर आपके इंडक्शन कुकटॉप से ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड जब ये फ्यूज़, तो फ्रेंड E9 का एरर आप फ्यूज़ को चेंज करके दूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी फ्यूज़ उड़ेगा कुछ और कॉम्पोनेंट भी ख़राब होंगे, क्योंकि फ्यूज़ तभी आपका ख़राब होगा जब या तो ये दो फिल्टर कैपेसिटर शॉर्ट होंगे, रेक्टिफायर डायोड या इसका IGBT, इन तीनों में से जब भी कोई शॉर्ट होगा तो ये आप फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप इसको चेंज करें उससे पहले इन तीनों को चेक कर लें, नहीं तो आप जैसे ही ये नया लगाएंगे एकदम ख़राब हो जाएगा, तीसरा लगाएंगे वो एकदम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही शॉर्ट हो रखे हैं, क्योंकि ये तीनों पहले से ही ओपन हो रखे हैं। तो जब भी आपका फ्यूज़ ख़राब होगा सबसे पहले आप इन तीनों को चेक करेंगे, और चेक भी इसको किस तरीके से करेंगे, सर्किट में इसको बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, इनको आप बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद इनको चेक करेंगे, तीनों जब आपके चेक हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से इसके अंदर लगाएंगे, जब ये तीनों ठीक मिलेंगे उसके बाद इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, उसके बाद आपका E9 एरर दूर होगा, इस बात का फ्रेंड आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड मैंने सब कुछ आपको कवर किया है, सबको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है कि ये सभी एरर आप अपने इंडक्शन कुकटॉप से किस तरीके से दूर करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है तो आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम पर्टिकुलर कंपोनेंट की वीडियो आपके लिए बना देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें हम हर एरर को चेक करके दिखाएं और इसमें जो मैंने कंपोनेंट बताए हैं उन कंपोनेंट को चेक करके भी आपको बताएं, दिखाएं कि मल्टीमीटर से उनको किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है, और आप वह चाहते हैं तो वह भी हम आपके लिए कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं, हम रिक्वेस्ट पर वह वीडियो भी बना देंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों हमें चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, सभी कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।